पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्रता मनुष्यता की शान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्रता मनुष्यता की शान है ओम शांति आप सभी ने पोहा बनाया होगा डाइट पोहा अभी हम आप सभी आपको दिखाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट सफेद पोहा तो उस पोहा का जो है आपको हम बताना जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जो जैसे हमने सबसे पहले दिन जो बनाया हमने कि वेजिटेबल पोहा उसी पोहा का हम जो है तलेंगे और तल के फिर सब चीजें हम तलेंगे तो ये जो पोहा हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए तेल लगता है तो तेल को हम चालू करते हैं तेल थोड़ा सा पहला जो है बहुत तेज आंच में रखने का गर्म होने के बाद उसका आंच जो है वो स्लो कर देने का तो हम सबसे पहले फास्ट रखा है गैस को और ये जो पोहा बना रहे हैं वो आराम से हमको 10 दिन तक चल सकता है ये पोहा हम कभी भी है ना रास्ते में जाते हैं तो कहाँ पर भी जाएंगे तो ये हम लेके जा सकते हैं और खिला सकते हैं और ये पोहा जो है खराब कभी नहीं होता है बहुत टेस्टी बनता है तो उसके लिए सबसे पहले मटेरियल जो है हम इसके अंदर डालेंगे डारिया डाल और काजू काली किशमिश बादाम और सिंगदाना ये सब चीजों को हम तलेंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे और इसके अंदर पीसी शक्कर और नमक और हरी मिर्ची और थोड़ा सा हींग और दूसरा ये कड़ी पत्ता ये हम सब मटेरियल जो है वो हम उसके अंदर डालेंगे तो तेल अभी जो है गरम हो गया है और उस तेल गरम तेल में हम जो है ऐसा छन्नी होगा तो छन्नी हम लेके इसके अंदर रख देंगे तो इस छन्नी के अंदर ही हम पोहा डाल देंगे ये पोहा जो है इस छन्नी के अंदर हम डालेंगे ये पोहा जो है हम छन्नी के अंदर डाल देते हैं तो तेल में डूबना चाहिए तो तेल के डूबने के हिसाब से हम जो है वो डालेंगे और फिर ऐसे तेल के अंदर हम ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे ये हमने पोहा को जो है ऐसा तल लेना है पोहा अभी हमारा बन गया है तो तल के ऐसे हमारा बन जाएगा वाइट वाइट और फिर उसके बाद जो है हम निकाल देंगे इस बाउल के अंदर अगर छन्नी में हमको दिक्कत होता है तो हम डायरेक्ट भी अंदर डाल सकते हैं और फिर डाल के फिर एक साथ भी हम निकाल सकते हैं तो ये हमने अब क्या किया अभी हमने ये पोहा तल के निकाल दिया है तो अभी इसी प्रकार जैसे पोहा हमने सारा निकाल लिया अभी इसी प्रकार जैसे हमने पोहा का किया इसी प्रकार हमने जो है ये सबको एक एक सिंगल सिंगल चीजों को हमको तल के निकालना है तो अभी आपका टाइम नहीं जाए इसके लिए हमने सब तल के रेडी करके रखा है तो जैसे ये जो सामग्री आपको हमने दिखाया ड्राई फ्रूट का इसी प्रकार छन्नी में डाल के तेल में छान के हमको अलग अलग रीति से रख देना है तो हमने ये जो है काजू का खाद देखो तल के रखा है काजू है और ये डारिया डाल है किशमिश है और ये सिंगदाना है और बादाम तो ये सब तल के हमने रेडी कर दिया है तो जब ये पोहा हम निकाल लेते हैं तल के जैसे हमने पोहा निकाल दिया तो अभी इस पोहा में हमको सबसे पहले नंबर कि शक्कर जो है हमको स्वाद अनुसार डालने का इसके अंदर शक्कर डालने के बाद फिर हम जो है नमक डालेंगे इसके अंदर सोल्ट जिसको बोलते हैं ये नमक डालेंगे कि नमक डालने के बाद फिर हम जल्दी से जल्दी इसको हिला देंगे क्योंकि गर्म होगा ना तो हाथ को लगेगा तो इसके लिए फिर जल्दी से हमको ऐसी हिला देने का फिर हिलाने के बाद फिर हमने जो बर्तन किया है
बड़ा बर्तन में हम सबको मिक्स कर देने का। जैसे ये ड्राई फ्रूट का ये तला हुआ है, ये किशमिश डाल देने का अंदर, फिर ये काजू डाल देने का, फिर इसके बाद जो है सिंगदाना डालने का, फिर ये बादाम डालने का। ये हमारा जो है ड्राई फ्रूट पोहा, सफेद ड्राई फ्रूट पोहा बन गया है, जिससे आपको रस्ते में प्रवास में ले जाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा भी टेस्ट करेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत टेस्टी पोहा बन गया है। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट पोहा रेडी हो गया। ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही